उस पर मत करो कि क्या चल रहा है, ठीक है? Have you all understood? So in this chapter, what we are going to study? Very first question: what is inverse of a matrix? By three methods: adjoint method, row transformation, and column transformation. Second question: हम लोग क्या पढ़ने वाले? How to solve linear equations? Already हमको इतने सारे method मालूम थे. अभी एक matrix method आएगा. अच्छा question में ऐसा आएगा: solve linear equation using matrix method. They are not specifying which method. Then you are free to use. Either inversion method or reduction method. Again, if they specify a particular method, then you have to use the same method. And the lastly, there are a few mixed problems. This method, I'm other concepts use karenge, and we are going to solve these questions. Okay. So today we will start with inverse of a matrix. No problem. Let's see. Very first question. Find inverse of matrix A. So inverse of matrix A is given as A power में minus one. इसको ऐसा मत treat करना. Maths वाला power minus one है. X raised to minus one है. उसको one upon x लेंगे. This is mathematical power minus one. This is not mathematical exponent term. This is symbol. Inverse of A means A raised to minus one. So A raised to a fixed symbol. So suppose आपको A inverse find करना है for a matrix A, which is 1, 2, 3, 4, okay, using the first method called as adjoint method. एक 2 by 2 का एग्जाम्पल लेता हूं और एक 3 by 3 का एग्जाम्पल लेता हूं. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. नाउ फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एडजॉइंट मेथड. अभी किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ए इनवर्स फाइंड करना है तो मेथड अप्लाई करने के पहले आपको एक चीज और फाइंड करनी होती है और वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स. क्या फाइंड करना होता है? बिकॉज ये इनवर्स का कंसेप्ट ऐसा बोलता है कि अगर आपका मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ही आप इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. सारे मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है ऐसा नहीं है. द मैट्रिक्स विच आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. इन 11th स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड व्हाट डू वी मीन बाय नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड एज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. अगर कोई मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकाला और वो जीरो आया तो वो क्या हो गया? सिंगुलर मैट्रिक्स. सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. यस, इनवर्स ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट. इनवर्स हम किसका फाइंड कर सकते हैं? नॉन सिंगुलर. इसलिए हमको सबसे पहले चेक करना है कि जो हमको मैट्रिक्स दिया है उसका डिटर्मिनेंट कहीं जीरो तो नहीं है. अगर जीरो नहीं है तो हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं. उसको अदर लैंग्वेज में ऐसा भी बोलते हैं, मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल. मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल. इनवर्टिबल मतलब उसका इनवर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इन सॉल्यूशन द वेरी फर्स्ट स्टेप विल बी कंसीडर डिटर्मिनेंट ऑफ ए. राइट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अभी ए का डिटर्मिनेंट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट को रिप्लेस करेंगे एंड डिटर्मिनेंट का ब्रैकेट लगाएंगे 1, 2, 3, 4. डिटर्मिनेंट तो बताने की जरूरत नहीं है, आता है? सो इट विल बी 4 × 4 = −2 = 0. देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट. पहले आपको हर एक क्वेश्चन में वेदर इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट दैट वी हैव टू चेक. नाउ वी चेक्ड इट एंड नाउ वी से दैट इनवर्स एग्जिस्ट. अब इनवर्स जब एग्जिस्ट है तो अभी हमको मेथड अप्लाई करना है और एडजॉइंट मेथड का यूज करके हमको इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है. नाउ इन एडजॉइंट मेथड हम लोग को सबसे पहले जो फाइंड करना होता है वो हम फाइंड करते हैं माइनस. क्या फाइंड करते हैं? माइनस. जैसी माइनस फाइंड आउट करोगे उसके जस्ट राइट साइड में आप फाइंड करोगे कोफैक्टर्स. क्या फाइंड करोगे? कोफैक्टर्स. आप ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में माइनस एंड कोफैक्टर्स आपने सीखा है. अच्छा, आप सबको मालूम होगा कि मैट्रिक्स का पोजीशन कैसा होता है. दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज 1-1 पोजीशन.
because it is in the first row, first column. 1, 2, first row, second column. 2, 1, second row, first column. This is 2, 2, second row, second column. तो जितने एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स में होते हैं उतने ही माइनर्स होते हैं. हमारे सिलेबस में 2x2 है तो अगर 4 एलिमेंट्स है तो 4 माइनर्स, 3x3 रहेगा तो 9 एलिमेंट्स तो 9 माइनर्स. हाउ डू वी राइट माइनर्स नाउ? तो हम ऐसे लिखते हैं m11, m12, m21, m22. समझ लो को फैक्टर इसके जस्ट पैरेलली c11, C12, C21, C22. Try to write, minus and cofactors adjacent. इसको नीचे लिखोगे तो भी लिख सकते हो, लेकिन क्या होता है इसका यूज करना पड़ता है इसके आंसर के लिए. तो अगर एक ही लाइन में है तो इट इज इजी टू राइट दैट इज वन. अभी माइनस कैसे फाइंड आउट करते हैं? M11. Now to find M11, आप मैट्रिक्स में फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड करोगे. So if you hide first row and first column, what is left? A single number 4. That will be your first minor, M11. M12, pehla number jo hai wo row, dusra number column. 1, 2 kya hoga? First row and second column. To wo kya ho jayega? 3. 2, 1. Second row, first column, that is 2. And 2, 2. Second row, second column is 1. Have you all understood? Yes. इस तरीके से हम माइनर फाइंड करते हैं. को फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? तो को फैक्टर का एक्चुअली एक फॉर्मूला है CIJ. ध्यान से देखो, CIJ इक्वल टू होता है MIJ. बस एक एक्स्ट्रा टर्म का इसके अंदर मल्टीप्लाई होता है एंड दैट इज -1 रेस टू i+j. मतलब जो MIJ है वही CIJ होगा, बस उसमें इस टर्म का मल्टीप्लाई हो जाएगा. अभी -1 रेस टू i+j क्या है? -1 एक ऐसा नंबर है जिसके पावर में अगर इवन नंबर आएगा, -1 रेस टू 2, -1 रेस टू 4, -1 रेस टू 6, तो वो क्या होगा? 1. और अगर ये 1 होगा तो 1 × MIJ इज MIJ. मतलब CIJ इज इक्वल टू MIJ. और अगर -1 का पावर में और नंबर आया, -1 रेस टू 3, -1 रेस टू 5, -1 रेस टू 7, तो -1 रेस टू नंबर क्या होगा? -1. -1 × MIJ, -MIJ. यानी दो ही आंसर पॉसिबल है, या तो CIJ इक्वल टू MIJ होगा या तो CIJ इक्वल टू -MIJ होगा. दैट डिपेंड्स ऑन पावर ऑफ -1. एंड व्हाट इज पावर ऑफ -1? i+j. तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे 1+1. ऐड करने पर अगर इवन मिलता है तो हम जो MIJ है वही CIJ हो जाएगा, और अगर ऐड करने पर ऑड मिलता है तो जो MIJ है उसका हम नेगेटिव लिख देंगे. ठीक है, सो लेट्स सी. 1+1 2, इवन है. इवन है मतलब सेम होगा. 1+2 3, और मतलब साइन चेंज, मतलब नेगेटिव. अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. 3 क्या हो जाएगा? -3. 2+1 3, और अगेन -2. 2+2 4, इवन. सो इट इज गोइंग टू बी 1. हैव यू ऑल अंडरस्टूड? यस. सो दिस इज CIJ, वी गॉट इट. तो अगेन आई रिपीट, फर्स्ट स्टेप फाइंड द डिटरमिनेंट, चेक करो इनवर्स एग्जिस्ट है कि नहीं. हो गया, माइनस फाइंड करो, कोफैक्टर्स फाइंड करो. आफ्टर फाइंडिंग कोफैक्टर, इस कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाओ, जिसको हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स. क्या बोलते हैं? कोफैक्टर मैट्रिक्स. जैसे उसके पोजीशन से वैसे पोजीशन में उसको अरेंज करो. 1, 1, 1, 2 फर्स्ट रो, 2, 1, 2, 2 सेकेंड रो. सो कोफैक्टर मैट्रिक्स विल बी 4 -3 -2. जैसे ही कोफैक्टर मैट्रिक्स आया, अब हम एक नया मैट्रिक्स बनाने वाले हैं, जिस मैट्रिक्स का नाम है एडजॉइंट मैट्रिक्स. क्या बनेंगे? एडजॉइंट मैट्रिक्स. ये एडजॉइंट किसका बनाने वाले हैं? मैट्रिक्स ए का. इसलिए हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए. क्या लिखते हैं? एडजॉइंट. अगर फुल एडजॉइंट नहीं लिखना है तो यू कैन जस्ट राइट ADJ, एडजॉइंट ऑफ ए. एंड व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट जो भी आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स आया है
उस मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज करना है. नाउ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब किसी भी मैट्रिक्स से अगर ट्रांसपोज लिखना है तो उसके रो को कॉलम में लिख दो. तो अब मैं क्या करूंगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स हमको मालूम है यहां पर है, उसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मतलब जो रो में है उसको कॉलम में लिख दो. फर्स्ट रो था 4-3, उसको कॉलम में लिख दिया 4-3. सेकेंड रो था -2, 1, उसको कॉलम में लिख दिया -2 and 1. सो दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ ए. आई रिपीट, माइनर कोफैक्टर, कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया. कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 4-3 फर्स्ट कॉलम, -2, 1 सेकेंड कॉलम, दिस बिकम्स योर एडजॉइंट ऑफ ए. एंड द लास्ट स्टेप, ओके, हाउ टू फाइंड इनवर्स. तो इनवर्स का एडजॉइन मेथड में एक फॉर्मूला है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 upon डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. इस फॉर्मूले से भी आपको ये चीज समझता होगा कि क्यों डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो हो गया तो फिर तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाता ना, 1 upon 0 हम कैसे फाइंड आउट कर सकते. तो इससे भी एक रीजन समझता है कि वाई द डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी जीरो. अब हमको क्या करना है, सिंपली जो वैल्यूज है उसको हमको सब्सटीट्यूट करना है. सो 1 upon डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था, -2. एडजॉइंट कितना आया हुआ है, 4-2 -3 1. दिस इज योर आंसर. मैक्सिमम व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक दिस 1 upon -2 इनसाइड. इनसाइड मतलब वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा मतलब -2 से डिवाइड हो जाएगा. So if you divide, take everything inside. So 4 upon -2, -2 upon -2, -3 upon -2, 1 upon -2. So this is going to be -2, 1, 3/2, and this is -1/2. This is the answer of A inverse. This is optional to take it inside. अगर sub term 2 से divide होते तो मैं अंदर ले लिया रहता. आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसको इस तरीके से भी ले सकते. सबके दिमाग में सेट है. ये 2/2 का एग्जाम्पल. 3/3 में क्या होगा, थोड़े माइनस बढ़ जाएंगे बिकॉज हियर देयर आर ओनली 4-, उधर 9-9 कोफैक्टर्स. कोफैक्टर मैट्रिक्स 3/3 का मिलेगा, फिर उसको एडजॉइन करने के लिए हम ट्रांसपोज देंगे एंड देन द रेस्ट इज सेम. ओके, अंडरस्टूड? सो प्लीज राइट ऑन दिस.